जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक और फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज जो है बहुत अच्छी वीडियो बनाने जा रही हूं मैं। ये मौसम देखिए आप, बहुत ठंडा है यहां पर, बारिश बारिश कल से बारिश हो रही है लगातार, और बिल्कुल भी बारिश थमी नहीं है। और ठंड जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ गई है। हमारे पीछे हैं पहाड़, ये तो सामने सूडू है जो पहाड़ी दिख रही है आपको। और मौसम देखिए कितने काले काले बादल हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारे जो हर साल बनती है सुंड, जो मैंने पिछले साल भी बनाई थी और उसकी वीडियो अपलोड की थी और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो इस साल फिर से बनाने जा रही हूँ मैं, मायके आई हूँ मैं, और मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे बनाया जाता है, कैसे उसमें क्या क्या डालते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको अच्छे लगे तो, और शेयर भी कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी डिश होती है, ये ड्राई फ्रूट्स से बनती है और बहुत ही गर्म होती है। इसे गर्मियों नहीं खा सकते हैं आप, सर्दियों में ही इसे खा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ किचन में, क्योंकि ठंड बहुत है, हम चूल्हे के पास बैठकर ही सारा काम करेंगे और बच्चों को भी लगाएंगे काम पे आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है इसका। तो बने रहिए और इन्जॉय कीजिए मेरी लाइफ का, डेली रूटीन का और आज के हमारे काम का। चिज्जी, मैंने दुकान खोल ली है इधर, रुको देखती हूँ चिज्जी। तो ये सात्विक था, मेरे भाई का बेटा, और ये सृष्टि लेके आ रही है सामान, कल लेके आई थी मैं साथ में सारा सामान ये। और अभी इसको निकालेंगे और दिखाती हूँ मैं आपको। ज़्यादा सामान नहीं है पर थोड़ा सा कॉस्टली होता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और जितने सामान के हम बनाएंगे 5-6 किलो आराम से बन जाएगी। और ये फिर बांटी जाएगी दीदी को, मैं लूँगी, यहाँ भाभी के लिए रखेंगे। और ये सृष्टि ने निकालते निकालते दाल का पैकेट फाड़ दिया। तो ये सारा सामान है, मैं दिखाऊँगी आपको क्या क्या है। ये क्या है? है छोटे वाला ले लो, ये कनाड़ा होता है। ये हमारे टाइम में पहले जो था, मम्मी के टाइम से ये लकड़ी से बनाए जाते थे, ये इसको कनाड़ा बोलते हैं। और परात जो होती है वो एल्युमिनियम, स्टील, किसी की भी हो सकती है, लेकिन हमारे पुराने टाइम पे लकड़ी को काट कर इस तरीके से कनाड़ा बनाया जाता था। ये एक्चुअली में मैंने ही तोड़ा है, मेरे हाथ से गिरा था और मम्मी ने इसको बड़ी मुश्किल से बना कर रखा है। तो इसमें करेंगे हम काम आज, बादाम, ले 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 ले, और दीदी को भी दे, एक एक दे सभी को काजू। तो ये है मेरी भाभी जो सूखी सी हैं, कमजोर हैं बहुत। और ये जो है, ये अभी सारा सामान जो है, ये गूंद होती है वो निकाल रहे हैं। मैं दिखाऊंगी आपको कितनी अलग अलग वैरायटी की होती हैं। और ये सारी जो हैं हमें पहले घी में भूननी होती हैं, फिर इसको पीसा जाता है। तो ये देखिए 4 टाइप की गोंद हैं और साथ में जड़ी बूटियां हैं, और सुंड जो है वो पाउडर ही ले रहे हैं हम। ये रहे हमारे काजू, बादाम, छुआरे, और साथ में तिल हैं थोड़े से, और हैं हमारे 4 मगज। तो पहले दाल को हम ग्राइंड कर लेंगे, इसे बिल्कुल भी भिगोना नहीं है, बस ग्राइंड करना है। और ये रिया है, मेरी भांजी है, और ये जो है गरी को कद्दूकस कर रही है नारियल को। तो जब तक ये काम करते हैं मैं दाल को पीस लेती हूँ। हम बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, बिना टोपी शाल के नहीं रह सकते हैं, और चूल्हे के पास बैठे हों तब बात अलग है, गर्म रहते हैं, लेकिन जब आप चूल्हे से दूर हैं तो आपको ढकना ही पड़ता है अच्छे से। तो दाल है, इसको अच्छे से पीस लेना है। तो भाभी भी पीस रहे हैं और साथ में मैं भी हूँ, ये आप देख सकते हो। और ये हैं हमारे छुआरे, जिनको हम डायरेक्ट नहीं पीस सकते हैं, तो पहले डंडा कुंडी में से अच्छे से पीसना पड़ेगा और इसकी जो गुठली है वो निकालनी है। उसके बाद जी ही मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करूँगी, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करने हैं। और ये छुआरे जो होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स में सबसे हार्ड होते हैं, जो अच्छे से नहीं पीसे जाते हैं, मोटे मोटे रह जाते हैं। रिया ईमानदारी से काम कर रही है, और ये सृजन की कारीगरी देखिए, इसको काम दिया है गरी को काट कर रखना है, लेकिन ये गरी में मास्क बना रहा है, बड़े अच्छे से काम कर रहा है। ये जो काम हमें चाहिए वो नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा काम ये सृजन का है, लेकिन अच्छा बनाया इसने जो भी। तो रिया कब से गरी निकाल रही, कद्दूकस कर रही है, अब ये थक गई है और इसने शोर मचा रखा है।
कि मासी अब नहीं होगा, अभी मुझे जाना है, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं इनसे काम लेना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं पीस लिए हैं, ये हैं हमारे बादाम, ये रहे हमारे छुआरे, और ये जो हैं ये काजू हैं, काजू पीस लिए हैं, और ये चली गई है, और ये की जगह मेरी चाची आए हैं, वो कद्दूकस कर रहे हैं गरी को अच्छे से। इनको भी प्रॉब्लम है, ये नीचे नहीं बैठ सकते हैं, घुटनों में बहुत दर्द होती है। और ये रहे चार मगज, इन्हें भी मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी। अभी ये देसी घी है, कढ़ाई ले रही हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और बन बाय बन गोंद को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। गोंद को फ्राई करने से कैसे पता लगता है कि ये हो गई है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है और ये फूल जाती है। तो वन बाय वन मुझे सभी फ्राई करने हैं, इनको कच्चा नहीं रखना है, फ्राई करने के बाद ही इनको पीसना है, और फिर हम जो हम सूंड बना रहे हैं उसमें इसमें ऐड करेंगे। तो ये रही गोंदे, तो ये मेरी गोंद ऑलमोस्ट जो है वो अच्छे से मैं भून चुकी हूँ, और ये लास्ट वाली गोंद है, इसको भूनना है, और इसके बाद मेरा गोंद को भूनने का काम ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम जो है अभी है दोपहर का खाना भी बनेगा, वो भी बनाना है, और उसके बाद ही सूंड बनाना शुरू करेंगे दोपहर के खाने खाने के बाद। तो ये लीजिए, ये भी कम्प्लीट हमारी हो चुकी है, और ये रहा हमारा गोंद। बच्चों की अलग ही दुनिया होती है, इसको मिक्सी की साउंड में भी डांस आ रहा है, और अभी मम्मी लगे कद्दूकस करने गरी को। तो ये देखिए, अभी मैंने सूंड बनाने का प्रोसीजर कर लिया है शुरू। सबसे पहले मैं कढ़ाई रखी हुई है, मैंने लोहे की है, और इसमें अलसी जो है उसको मैं भून रही हूँ। इस बार सूंड में मैं अलसी भी डालूंगी, पिछली बार नहीं डाली थी। अलसी जो है हमारे जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये एज अ ग्रीस का काम करती है। तो इसको भून लूँगी, उसके बाद ही इसको पीसना है। तो हम अलसी को पीस चुके हैं, और आजकल सर्दियां हैं, घी निकलता नहीं है, तो ये देखिए 1.5 किलो घी जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और घी काफ़ी गर्म हो गया है। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, और भाभी जो है दाल को घी में डाल रहे हैं। जब आपका घी अच्छे से गर्म हो जाए तभी जो हमारी पीसी हुई दाल है उसको डालना है। हम जब भी दाल यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि घी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी बहुत कम होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट है जो मैं इसमें डालूंगी, तो घी जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो ये हमारी दाल है जिसको अच्छे से भूनना है, और इसका रंग जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। और अभी मैं डाल रही हूँ गरी बुरादा, क्योंकि गरी जो है अगर आपकी किसी भी चीज़ में कच्ची रह जाती है तो खांसी बना देती है गरी। तो गरी को भी हम घी में और दाल में अच्छे से भून लेंगे। और ये डाल दिए हैं मैंने तिल, सफ़ेद तिल हैं, इनको भी इसी में डालकर भूनना है। और घी कम हो गया, ये देखिए और घी डाल रहे हैं मम्मी। और ये डाल दी हमने अलसी जो भुनी हुई थी, और इसको पीस लिया है। अलसी को हम कर लेंगे मिक्स, लेकिन घी मम्मी ने डाला, लेकिन और डालना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलो तो घी लग ही जाएगा। लेकिन एक्चुअली मैं घी नहीं खाती हूँ, तो मैं थोड़ा कम ही क्वान्टिटी में डालती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े में ही हो जाए, हमारा काम निकल जाए, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा घी हो जाए तो मैं खा ही नहीं सकती सूंड बिल्कुल भी। तो अभी पापा आए हैं, पापा जो हैं वो हिला रहे हैं, छेड़ा दे रहे हैं। और ये डाल दिए छुआरे, ड्राई फ्रूट जो हैं छुआरों को पहले नहीं भूना है, डायरेक्ट पीसा हुआ है। और अभी देखिए आप, मिक्स करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये डाल दिए मैंने चार मगज जो हमने ग्राइंड किए हुए थे, अभी डाले हमने काजू। और ये डाल दी मैंने बादाम, इनको अच्छे से मिक्स करना है। कोई भी जो ड्राई फ्रूट्स या कोई भी चीज़ है जो अलग नहीं रहनी चाहिए। और ये गोंद, जो गोंद पीसी हुई थी वो डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अभी हम। और ये डाली मैंने दाख, किशमिश जिसे कहते हैं, वो डाल के ऐड कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में डाली जाती है सूंड पाउडर। सूंड आपको पीसीज में मिल जाती है, उसको आप ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन मैंने सूंड पाउडर का डब्बा ही दिया है। ये लास्ट इंग्रेडिएंट होता है हमारा ऐड करने वाला, इसको पहले ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप पहले ऐड कर दोगे तो ये जल जाती है। और मैं चूल्हे के पास अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे से बैठी हुई हूँ, तो गर्मी शुरू हो गई, तो मैंने जैकेट वगैरह उतार दी है। और मिक्स करने का काम बहुत टफ है, क्योंकि हमारी 10 किलो की कढ़ाई
जो है वो भर चुकी है, बर्तन सारे खाली हो गए हैं और भाभी जो है अभी चीनी पीस रहे हैं। इस बार मैं चीनी को चाशनी बना के नहीं डालूंगी, कच्चा ही ऐड करूंगी, लेकिन ग्राइंड करके डालूंगी, क्योंकि चीनी जब मोटी मोटी खाने में आती है तो ज़रा भी टेस्टी नहीं लगती है। तो मेरा मिक्सचर हो गया है कम्प्लीट, अब इसे नीचे उतार देंगे। और सबसे पहले जो है नीचे उतार के भी मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि कोई एक आध इन्ग्रीडियंट मिक्स ना हुआ हो तो वो मिक्स हो जाए। और पापा को शुगर है, मेरी दीदी को भी शुगर है, तो सबसे पहले मैं उनके लिए विदाउट चीनी डाला हुआ जो मिक्सचर है वो निकाल लूँगी। तो पापा, जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी अच्छी चीज़ बनाते हैं, पहले भगवान को पूजा जाता है, तो अग्निदेव को चढ़ाया जा रहा है। और ये देखिए, साइड में मैंने एक बर्तन में दीदी को और एक बर्तन में पापा को निकाल ली है सुंड, और अभी जो है चीनी धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ। मेरा हाथ पिछले साल फ्रैक्चर हुआ था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसको मिक्स करना, तो थोड़ी मैं मिक्स कर दूँगी, थोड़ी मम्मी मिक्स करेंगी। अगर मेरी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अपना एक प्रीशियस लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो ये चीनी मम्मी लगे ऐड करने, और ये है मेरा भाई का छोटा बेटा, जो तब से ये बन रही तब से खाए जा रहा है और पूरा मुँह खराब कर रखा है। तो देखिए कितने बर्तन भर गए हैं, 2 किलो 2 किलो, 1 किलो है, 5 किलो का है, और साथ में 1 किलो का बर्तन अलग है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और आप भी जरूर बनाइए और खाइए। बाय बाय, टेक केयर।